एक अपराधी को अपराध करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हथियार, जिससे वो लोगों को डरा सके। आज आपको मुंगेर के एक मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे के बाद जितना हथियार एक साथ दिखा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि इतने हथियार एक साथ अपराधियों के हाथ लग जाते तो क्या होता। बिहार में अपराधी लूट डकैती के साथ ही खून की नदियां बहाने से भी नहीं चूकते। पर समय रहते पुलिस को इसकी सूचना मिली। जब पुलिस ने मुफस्सिल थाना इलाके के मिर्जापुर बरदाह में छापेमारी की तो हथियारों को देखकर खुद पुलिस के अधिकारी भी चौंक पड़े। दरअसल मुंगेर पुलिस को यह कामयाबी तब मिली जब एक गुप्त सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदाह गांव में मोहम्मद समद के घर मिनी गन फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के पास पक्की खबर थी कि मोहम्मद समद अपने घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर रहा है। इस सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी नीरज कुमार ने तत्काल एक स्पेशल टीम का गठन किया और मुफस्सिल थाना के मिर्जापुर बरदाह गांव निवासी मोहम्मद समद के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को तैयार एक देसी पिस्टल के साथ 50 अर्धनिर्मित पिस्टल, 45 पिस्टल बैरल, 7.65 mm की 7 पीस जिंदा कारतूस, 8 पिस्टल स्लाइडर, 2 अर्धनिर्मित मैगजीन, 1 बेस मशीन और हथियार बनाने के ढेर सारे उपकरण बरामद हुए। पुलिस टीम को इस फैक्ट्री से 4 हथियार बनाने वाले कारीगर भी मिले जो हथियार बना रहे थे। पुलिस ने सभी चारों को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर सदर के DSP नंदजी प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए चारों मोहम्मद समद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद आज़ाद हथियार निर्माता हैं और मिर्जापुर बरदाह गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सभी चारों आरोपी पूर्व से ही अवैध हथियार निर्माण करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस हथियार बनाने वाले गिरोह ने कईयों को हथियार बेचा भी है, जिसकी जांच चल रही है। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरज कुमार के अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। उस सूचना का सत्यापन कराया गया। ग्राम मिर्जापुर बरदह से मोहम्मद सम्मत के घर पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में इनके घर से लोग भागने लगे। इनके 3 पुत्र और मोहम्मद सम्मत को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ, जांच पड़ताल और सर्च की इनके घर को सर्च किया गया तो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जो 50 अर्ध निर्मित पिस्टल हैं, एक कट्टा है 315 की, 2 गोली है 38 का, 7 गोली है, ये बेस मशीन है, आरी है। ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से एक ये छोटी फैक्ट्री चला रहे थे, वहाँ से बरामद किया गया है और 4 को गिरफ्तार किया। क्या इन लोगों का पहले भी एक रहा है हथियार निर्माण को लेकर के इतिहास? हाँ, इस संबंध में इनके आपराधिक इतिहास दिखवाया जा रहा है कि ये लोगों को विरुद्ध क्या क्या कौन कौन सा केस है। हाँ, ये लोग बना करके एक साथ नहीं, छोटा छोटा करके किसी किसी को बेचते हैं। कितने दिन से धंधा कर रहे हैं इनका धंधा? ऐसे हम लोग इस संबंध में भी पता कर रहे हैं। धंधा तो इनका लगता है पहले से कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो हम लोग शुरुआत किए। आप देख सकते हैं कि जितने हथियार जो अर्ध निर्मित थे, जिन्हें 1-2 दिन में तैयार कर लिया जाता और अपराधियों को बेच दिया जाता, तो फिर बिहार में अपराध पर नियंत्रण पाना कितना मुश्किल था। लेकिन पुलिस की इस सजगता ने बिहार में अपराध को एक बार नियंत्रित करने के भरपूर कोशिश की है। फिलहाल मुफस्सिल पुलिस चारों गिरफ्तार पर अवैध हथियार निर्माण एवं हथियार तस्करी का मामला दर्ज कर
मुंगेर मंडल कारा भेजने की तैयारी कर रही है। खुलासा के लिए मुंगेर से अतहर खान की ये खास रिपोर्ट।